4 जून को चुनाव के रिजल्ट्स आते ही अपोजिशन समेत तमाम विपक्षी लोगों का कहना था कि शायद एनडीए का समर्थन पीएम मोदी को नहीं मिलेगा और तीसरी बार सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें सपोर्ट भी मिला और मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वह अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या मोदी 3.0 अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होंगे? कहीं इस बार मोदी सरकार गिर तो नहीं जाएगी? इस बारे में क्या कहती है पीएम मोदी की भविष्यवाणी? क्या होगा दुश्मनों का हाल और कैसे होंगे आने वाले 5 साल? सब कुछ कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली और इनसे जुड़ी भविष्यवाणियां। बस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और अपने मन में उठ रहे सवाल भी आप जान पाएंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 9 जून 2024 दिन रविवार शाम के 7:15 यह तारीख, दिन और समय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और युगों युगों तक याद किया जाएगा, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश की सेवा में एक बार फिर आ गए। इसके अलावा 36 सांसद भी मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा बने। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में है और अपने पहले 2 कार्यकाल की तरह इस कार्यकाल में भी बड़े फैसले लेने के मूड में नजर आ रहे हैं, जिसका उदाहरण हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 50% अमाउंट बढ़ाने जैसे फैसले के रूप में देख चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार वह अपने दोनों कार्यकाल की तरह ही अपने तीसरे कार्यकाल को भी पूरा करेंगे। जी हाँ, हालांकि यहाँ कई मुश्किलें हैं जो लोगों को यह कहने पर मजबूर कर रही हैं कि शायद पीएम मोदी अपना ट्रेन योर पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे सबसे बड़ा रीजन है उनकी उम्र। पीएम मोदी इस वक्त 73 साल के हैं, जबकि पीएम मोदी ने भाजपा में खुद यह नियम बनाया था कि कोई भी पार्टी कार्यकर्ता 75 साल की उम्र के बाद एक्टिव कार्यकर्ता या राजनेता नहीं रहेगा। जी हाँ, हालांकि अब पीएम मोदी अब अपने कार्यकाल में 75 के होने वाले हैं, तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे और वह कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार पीएम बने रहने की कोई एज लिमिट नहीं है। हालांकि उनकी कुंडली, ग्रह नक्षत्र इस बारे में क्या कहते हैं और आने वाले 5 सालों में क्या कुछ होने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 जून 2024 को 7:15 पर नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय कुंडली वृश्चिक लग्न की बताई गई है और शनि चतुर्भाव में सशक्त महापुरुष राजयोग बना रहा है। पंचम भाव में राहु, छठे भाव में मंगल स्वराशिका है जो लग्न का स्वामी भी है। इसके साथ ही सप्तम भाव में बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र है, जिसमें शुक्र और बुध अस्त्र अवस्था में बताए गए हैं, और नवम भाव में स्वराशि चंद्रमा है जो भाग्य योग बन रहा है, और एकादश भाव में केतु का होना बताया जा रहा है। इस कुंडली के बारे में जानकारी, यानी जब इसका विश्लेषण किया गया, तब यह जानने को मिला कि मोदी जी का वर्तमान कार्यकाल काफी संघर्ष से भरा रहेगा और इसकी वजह कुंडली का लग्नेश मंगल छठे भाव में होना बताया जा रहा है। असल में लग्नेश का छठे 8वें और 12वें में भाव में होना या चले जाना कुंडली को काफी हद तक कमजोर कर देता है। यही नहीं, कुंडली के अनुसार लग्नेश मंगल पर शनि की दृष्टि भी है, जिस वजह से सफलता मिलने में बहुत देरी लगेगी। पीएम मोदी की कुंडली के अनुसार ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि मोदी जी की कुंडली में धनेश बृहस्पति 4थे स्थान पर, जबकि लाभेश बुध 10वें स्थान पर बैठे हैं। इस बुध और बृहस्पति के जोड़े के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले 5 सालों में भारत आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा और इकोनॉमिक पावर बनकर निकलेगा। पीएम मोदी की कुंडली के ग्रह नक्षत्र आगे बताते हैं कि शत्रु भाव का स्वामी मंगल लघु में चंद्रमा के साथ बैठा है और शनि 10वें स्थान पर है। संपाति काल की कुंडली अगर मोदी जी की देखी जाए तो आपको बता दूं कि शनि 10वें स्थान पर, जबकि बुध एकादश स्थान पर विराजमान है। वही करण ग्रंथ के अनुसार कुंडली देखी जाए तो शनि एकादश भाव में, जबकि बुध दशम भाव में है।
हालांकि शत्रु भाव का स्वामी चंद्र के साथ मंगल लग्न के साथ बैठा है, जबकि शनि दसवें स्थान पर है और नक्षत्र का यह योग दुश्मनों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। दरअसल शनि की दृष्टि यहां मंगल पर पड़ रही है, जिस कारण शत्रुओं पर आने वाले 5 साल बेहद भारी बताए जा रहे हैं। खासकर आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक्शन मोड में नजर आएगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां काफी बढ़ गई। बीते सिर्फ 1 से 2 महीने में 9 से ज्यादा हालत जम्मू कश्मीर में बने ऐसे, जहां हमले किए गए और आम नागरिकों पर हमले किए गए। 9 जून को तीर्थ यात्रियों से भरी बस के साथ भी आतंकियों ने बर्बरता बरती और अंधाधुंध फायरिंग कर कई यात्रियों की जान ले ली। इस कायराना हरकत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया और सोल्जर को आतंकियों को ढेर करने का आदेश देते हुए जम्मू कश्मीर का हाल जाना, साथ ही आतंकियों के खिलाफ पूरी सख्ती बरतने की छूट भी दे दी, ताकि आने वाली 22 जून से शुरू होने वाले अमरनाथ यात्रा पर आतंकी किसी तरह की हरकत को अंजाम न दे पाए। हालांकि दुश्मनों के खिलाफ सरकार का एक्शन आने वाले 5 साल तक लगातार जारी रहेगा। दुश्मन देश से दूर रहेंगे। पीएम मोदी की कुंडली के अलावा उन्होंने जिस मुहूर्त में और जिस तारीख के दिन शपथ ली है, उसे भी ज्योतिष आचार्य काफी शुभ मान रहे हैं। जैसे पीवीआर नरसिम्हा राव जी के अनुसार 9 जून को पुष्य नक्षत्र और रियार वार में पीएम मोदी ने शपथ ली है, और रविवार के दिन कुश नक्षत्र का मेल बड़ा ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ रवि और सूर्य आत्मा यानी अंतरात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति भी शुभ संकेत दे रही है। बता दें कि वनस्पति को गुरुओं का शिक्षक माना जाता है, जबकि बुध हमारे अंदर मौजूद अच्छे गुण। इस तरह 9 जून को पीएम मोदी ने सिर्फ शपथ नहीं ली, बल्कि उनकी कुंडली ने कई संकेत भी दिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार विपक्ष में भी एकादश भाव की युक्ति बन रही है, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मोदी सरकार 3.0 को परेशान कर सकती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, 2.5 साल से 3 साल तक सरकार अच्छे से चलेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का आर्थिक विकास तो होगा ही, साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी विकास देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद विपक्ष पक्ष पर हावी हो जाएगा। विपक्ष बार बार कुछ ऐसा करेगा जो सत्ता पक्ष को मुश्किलों में डालेगा। इस दरमियान कई हंगामे किए जाएंगे, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, लेकिन पीएम मोदी हर मुश्किल का सामना करते हुए, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देते हुए, लगातार मेहनत करते हुए अपने इस कार्यकाल को भी पूरा कर ले जाएंगे और आने वाले 5 सालों तक पीएम मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि उनका यह कार्यकाल बीते 2 कार्यकाल से ज्यादा प्रभावशाली होगा। जैसे उनके नाम का डंका पूरी दुनिया में आज बज रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मोदी सरकार देश में कई बदलाव करेगी और पीएम मोदी का विजन हम जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर बनेंगे भी काफी हद तक धरातल पर उतरता नजर आएगा, क्योंकि पीएम मोदी की कुंडली में कई ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत शुभ होते हैं। जैसे शत्रुघ्न का योग के योग खास तौर से दुश्मन पर लगाम लगाने के लिए जाता है। यदि विपक्ष हो या पड़ोसी देश के दुश्मन, कोई चाहे कितना ही जोर क्यों न लगाए, लेकिन मोदी सरकार अपने 3रे कार्यकाल को पूरा करेगी और पिछली बार की तरह इस बार भी बड़े बड़े फैसले करेगी। यहाँ विपक्ष का दावा है कि इस बार भाजपा लाठी की सरकार है, मतलब भाजपा के साथ बहुमत नहीं है और वह पूरी तरह से एनडीए पर डिपेंडेंट है, यानी अगर एक भी डाल इधर उधर हुआ तो पूरी सत्ता ही पलट जाएगी। इसलिए विपक्ष दावा करता है कि मोदी सरकार 3.0 पूरे 5 साल चल ही नहीं सकती, ये सरकार कभी भी बिखर सकती है, भाजपा को सपोर्ट करने वाले एनडीए में कभी भी फुट पड़ सकती है। कुछ ऐसा ही माहौल चुनाव के बाद सरकार बनाने को लेकर भी हुआ था, हालांकि 9 जून को सभी अफवाहों को धुआं धुआं कर दिया गया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में है और कई भविष्यवाणियों के मुताबिक 2029 में भी भाजपा की ही जीत होगी। हालांकि उस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि टैक्स में कटौती करके अर्थव्यवस्था को गति देना कल्याणकारी योजनाओं पर पैसे खर्च करने से बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि योजनाओं में कई बार पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। ऐसा उस समय हो रहा है जब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है।
ऐसे में सरकार चाहती है कि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे आए ताकि वे ज्यादा सामान खरीदें और अर्थव्यवस्था को और रफ्तार मिले। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोदी सरकार 5 साल तक रहेगी या विपक्ष के दावे हकीकत बन जाएंगे? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।